सोचकर देखिए, एक दिन आप अपने काम धंधे से बाहर निकले हों और बाहर निकलते ही आपका शरीर एकदम से फट जाए या फिर आपके शरीर में भारी मात्रा में रेडिएशन घुस जाए। आपका ऐसा कुछ होने का प्लान नहीं था। बेशक अगर आपके या मेरे साथ ऐसा हो जाए तो परिणाम बहुत बुरे हो सकते हैं, लेकिन आज जो मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में जानकर आप भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले आप इस फोटो में दिख रहे इस आदमी को देखिए। जी हाँ, इस आदमी को ही इस दुनिया का सबसे ज्यादा रेडिएटेड इंसान माना जाता है। जी हाँ, इसने अपने शरीर में इतनी ज्यादा रेडिएशन झेली और उस रेडिएशन को झेलने के बाद भी बच गया और उसका रिकॉर्ड आज तक कोई तोड़ नहीं पाया है। लेकिन इसके साथ आगे क्या हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि ये डेमन कौर जिसे हाथ लगाते ही हर वैज्ञानिक आज तक मौत के मुंह में समा चुका है, तो ये सब क्या था। आज आपको इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है, लेकिन उससे पहले मैं हूं विकी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दुनिया का एक और बहुत ही कमाल का एपिसोड। और आपको करना है इस वीडियो को एक लाइक और कमेंट्स में लिखना है पिग में, ताकि कल के वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। तो शुरुआत करते हैं अमेरिका में 1940 के दशक से। जी हाँ, जब यहीं पर दुनिया का पहला न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया जाना था और इस पूरे प्रोजेक्ट को हम आज द मैनहैटन प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं, जो कि बाद में सफल भी रहा। और इसी न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल करके दूसरे विश्व युद्ध का एंड भी किया गया और फिर पूरी दुनिया बदल गई, और आज भी पूरी दुनिया न्यूक्लियर बॉम्ब से डरती है। ऐसे ही कोई भी चलता फिरता देश न्यूक्लियर पावर होने की धमकी देता रहता है, समझ गए होंगे। खैर, अभी आप जिन लोगों को अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं यही लोग जिम्मेवार थे पहले न्यूक्लियर बॉम्ब को बनाने के लिए। न्यूक्लियर बॉम्ब जो बनने वाला था वो साइंस की सीमा थी, और उस पहले न्यूक्लियर बॉम्ब को बनाने के लिए साइंस की सीमाओं को भी तोड़ा गया। तो सोचकर देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको अभी घर बैठकर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है तो आप क्या करेंगे? चिंता मत करिए, मैं आपको सारा सामान भी दूंगा, बस ये मत पूछिएगा कि वो कहां से आया। खैर, उसके अलावा मैं आपको बंदों की फोर्स दूंगा जो आपकी बात मानेंगे, और आपके पास दुनिया भर की किताबें हैं जिनके अंदर से पढ़कर आप ये सब सीख सकते हैं कि इसे कैसे बनाया जाता है। दूसरी बात, आपके पास इंटरनेट होगा जिसके अंदर आप सारी जानकारी हासिल करके एक न्यूक्लियर बॉम्ब के वर्किंग कंडीशन को देख सकते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि इतना सब होने के बाद भी क्या आप एक वर्किंग न्यूक्लियर बॉम्ब बना पाएंगे? मेरी ख्याल से नहीं। सच में ये काम बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन अब सोचकर देखिए, जो लोग द मैनहैटन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे उनके पास ना ही कोई किताब थी, उनके पास ना ही सामान था जो उन्हें पता हो कि ये न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा। सबसे दिक्कत की बात, ना ही उनके पास इंटरनेट था, तो वो जो चीज़ बना रहे थे वो पूरी दुनिया में एकदम नई थी और साइंस की भी बिल्कुल सीमाओं को तोड़ते हुए वो सब ये काम कर रहे थे। इसलिए उन्हें जो भी कुछ बनाना था अपने दिमाग से ही बनाना था। तो फिर सवाल उठता है कि कैसे ये इंसान ही एक ऐसी चीज़ बनाने में सफल हो गए जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन एक बात ये भी है कि ये लोग बहुत चालाक थे। खैर, इस बात को छोड़िए, और अब सोच कर देखिए, अगर मैं आपको एक प्लूटोनियम की टुकड़ी दूं और कहूं कि आप इसे अपने पास रख लें, तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप उसे लेने से ही मना कर दें। जी हाँ, हम सबको पता है कि प्लूटोनियम बहुत रेडियो एक्टिव होता है और हम उसके पास भी नहीं लगना चाहेंगे। लेकिन यहीं तो सारा गेम पलट जाता है। हम तो उसे लेने से मना कर रहे हैं, लेकिन जो लोग द मैनहैटन प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे वो प्लूटोनियम के साथ खेलते थे। जी हाँ, नंगे हाथों से बिना किसी सुरक्षा कवच के हाथों में ले लेकर खेलते थे। अब ना सिर्फ वो प्लूटोनियम जैसी खतरनाक चीज से खेलते थे, बल्कि एक केमिस्ट ने तो हद पार कर दी और वो तो उस टुकड़ी को अपने दांतों से चबाकर निकल भी गया। उस केमिस्ट के वो प्लूटोनियम खाने के बाद जिस कमरे में वो रहा, वो कमरा भी आने वाले कई सालों तक पूरी तरह से रेडियो एक्टिव बना रहा। खैर, वो बाद में मर गया, लेकिन प्लूटोनियम हमें पता है कि 1940 में ही खोजा गया था, और एक ये नई नई चीज़ वैज्ञानिकों के हाथ लगी थी और उन्हें इससे खेलने में बहुत मज़ा आ रहा था। और इससे पहले उनको ये पता ही नहीं था कि इसके परिणाम इंसानी बॉडी पर क्या होंगे, और वो उसे अनजाने में ही खा भी रहे थे, सांस भी ले रहे थे और आसपास के माहौल को भी रेडियो एक्टिव बनाते जा रहे थे। ये बात तो वो थी जो हम आज तक जानते हैं, लेकिन असल में बात कुछ और भी थी। और बात ये थी कि वो लोग पागल नहीं थे, बल्कि वो लोग तो टेस्ट कर रहे थे कि प्लूटोनियम आखिर हमारे शरीर पर क्या रिएक्ट करता है। इंसानों से पहले चूहों पर इसके टेस्ट लिए गए थे, और फिर 1945 में सरकार से रिक्वेस्ट की गई कि इसके टेस्ट लिए जाएं, वो भी इंसानों पर, और 1945 में ही इसकी अप्रूवल भी मिल गई, जिसके बाद कुल 18 लोग सिलेक्ट किए गए जिनके ऊपर
ये प्लूटोनियम डाला जाना था, मतलब कि जिनके शरीर में प्लूटोनियम डाला जाना था। और इन 18 लोगों में एक 4 साल का बच्चा और एक 69 साल का बूढ़ा व्यक्ति भी मौजूद था। इन सभी के शरीर में प्लूटोनियम का इंजेक्शन लगाया गया और इन 18 लोगों पर अब ध्यान रखा जाना था। और इन्हीं 18 लोगों में से एक व्यक्ति ये भी था जिसका नाम एल्बर्ट स्टीवंस था। इसकी उम्र 18 साल की थी और ये अपने एरिया में पेंटर का काम करता था। यह आदमी उस हॉस्पिटल में वैसे तो पेट दर्द की शिकायत लेकर पहुंचा था और जब डॉक्टर्स ने उसके पेट दर्द की टेस्टिंग की तो ये सामने आया कि ये व्यक्ति पेट के कैंसर से पीड़ित है। और डॉक्टर्स को उम्मीद थी कि हद से हद ये व्यक्ति 6 महीने ही इस दुनिया में जिंदा रहेगा, तो उनके लिए एक आसान चीज थी, आगे भी मरना है, थोड़े दिन पहले मर जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन हालात बदकिस्मत कितने थे कि उसको वहां पर लेटा लिया गया और उसे बिना बताए ही पेट दर्द के इंजेक्शन के नाम पर उसके शरीर में प्लूटोनियम का इंजेक्शन लगा दिया गया। लेकिन सवाल उठता है क्यों? तो जनाब ये समय 1945 का था और उस समय दुनिया के कुछ गिने चुने वैज्ञानिकों को ही प्लूटोनियम के बारे में पता था। अब एक आम इंसान मेरे जैसा आपके जैसा कोई जाए और डॉक्टर के पास जाए तो डॉक्टर जो लगाएगा हम तो लगवा लेंगे, चाहे वो जहरी क्यों ना दे, आगे उसकी जिम्मेवारी है भाई। तो इसलिए उससे बिना पूछे उसके शरीर में प्लूटोनियम डाल दिया गया। डॉक्टर ने सोचा अगर हम इसको बताने लग गए कि प्लूटोनियम क्या है तो क्या पता ही डर जाए और हमारे इस टेस्ट से मना कर दे। बेचारे की किस्मत ही ऐसी थी कि उसे बताया ही नहीं गया और उसके धोखे में रख के उसके शरीर में प्लूटोनियम डाल दिया गया। इस व्यक्ति को अनजाने में ये भी नहीं पता था कि वो एक ऐसे प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है जो प्रोजेक्ट सीधे तौर पर वर्ल्ड वॉर 2 को ख़त्म करवाएगा। जिस डॉक्टर ने ये प्लूटोनियम वाला इंजेक्शन एल्बर्ट के शरीर में लगाया था उस डॉक्टर के अलावा पूरे हॉस्पिटल में किसी को पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ भी इस हॉस्पिटल में चल रहा है। खैर कुछ दिन बीते और जब प्लूटोनियम जो उसके शरीर में डाला गया था वो पूरी तरह से घुल गया और अब इतने दिनों तक हॉस्पिटल में रहने के बाद डॉक्टर्स ने उसे कहा कि अब तो तुम्हारी पेट की सर्जरी करनी ही पड़ेगी ये कैंसर बाहर निकालने के लिए। उसको बताया गया कैंसर बाहर निकालने के लिए, लेकिन ये सर्जरी असल में थी क्या वो मैं आपको आगे बताता हूँ। खैर उसकी सर्जरी शुरू की गई और उसके पेट से लीवर, स्प्लीन, लिम्फ, रिब्स, पैनक्रियाज सब कुछ बाहर निकाल लिया गया। जी हाँ, सब कुछ बाहर निकाल कर टेबल पर रखा हुआ था और उसको बताया गया था कि उसके शरीर से सिर्फ कैंसर को बाहर निकाला गया है और सब कुछ ओके है। और कैंसर को बाहर निकालने के बाद, यानी कि उन सब चीज़ों को बाहर निकालने के बाद, उन सभी चीज़ों को टेस्टिंग के लिए लेबोरेटरी में भेजा गया। इस टेस्टिंग का वेट चल ही रहा था तो उस आदमी ने सोचा कि क्यों ना एक और दूसरे हॉस्पिटल से एक टेस्ट और करवा लिया जाए। और उस टेस्ट में सामने आया कि इस व्यक्ति को तो कभी कोई कैंसर था ही नहीं, ये तो बल्कि एक आम सी बीमारी अल्सर से पीड़ित था। तो वो जो सब कुछ उसके शरीर से निकाला गया, यानी कि लिम्फ्स, रिब्स, पैनक्रियाज, लीवर, स्प्लीन, सब कुछ, वो सब कुछ फालतू था। खैर उसका पेट सब कुछ सील वगैरह करके उसे हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई और जाते जाते उसका एक यूरिन सैंपल्स ले लिया। अब यहाँ पर उसको बाहर भेजने से पहले डॉक्टर्स ने उससे रिक्वेस्ट करी कि तुम्हें कुछ दिनों तक, हर कुछ दिनों बाद यहाँ पर यूरिन सैंपल देने के लिए आना पड़ेगा। और आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन वो बेचारा आदमी यानी कि एल्बर्ट स्टीवन पूरे 1 साल तक इस हॉस्पिटल में आकर अपना यूरिन सैंपल देकर जाता रहा। चमत्कारिक रूप से स्टीवन ने बहुत तेजी से रिकवरी करी और आने वाले 1 सालों तक बार बार यूरिन सैंपल देने की वजह से उसका परिवार बहुत परेशान हो गया। तो उसके परिवार ने सोचा कि क्यों ना उसके यूरिन सैंपल को कहीं और टेस्ट करवाया जाए। और जब वो दूसरे हॉस्पिटल में फिर से गया तो जिस डॉक्टर ने उसके यूरिन सैंपल को टेस्ट किया उसने कहा कि एक बार पूरे शरीर का तुम स्कैन भी करवाओ। तो जब उसके पूरे शरीर का स्कैन किया गया तो ये सामने आया कि उसके शरीर में तो लगभग पेट का पूरा हिस्सा है ही नहीं। सो जैसे उसे बताया गया तो उसने कहा कि वो कैंसर से पीड़ित था। तो उस डॉक्टर ने भी कंफर्म कर दिया कि वो कैंसर से पीड़ित नहीं था, उसके शरीर में कभी कोई कैंसर नहीं था। लेकिन उस डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारी जो हड्डियां हैं वो बहुत अजीब रूप धारण कर चुकी हैं। खैर अब इस सारी हालातों को छोड़कर हम ये बात करते हैं कि प्लूटोनियम जैसी जानलेवा चीज़ ने बेचारे स्टीवन पर आखिर अपना असर क्या किया। तो जवाब है कुछ नहीं, क्योंकि आने वाले 20 सालों तक स्टीवन बिल्कुल हंसता खेलता आराम से जिंदा रहा। और सन 1966 में 79 साल की उम्र में स्टीवन की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई। लेकिन क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि वो डॉक्टर्स जिन्होंने प्लूटोनियम स्टीवन के शरीर में डाला था वो तो इंतज़ार ही कर रहे थे कि कब स्टीवन मरे। और जैसे ही स्टीवन मरा वो उसके घर पहुँच गए उसके शरीर का सैंपल लेने के लिए।
और जैसे उसके शरीर से कुछ त्वचा काटी गई, उसका ब्लड सैंपल लिया गया। लेकिन अब यहाँ पर बहुत ही दिल दहला देने वाले रिजल्ट सामने आए। जी हाँ, मरते हुए भी स्टीवन के शरीर में 64 सीवर्ड्स की रेडिएशन मौजूद थी। जी हाँ, 64 सीवर्ड्स। आप इस आंकड़े को ध्यान रखिएगा, यानी कि एक हिसाब से 3 सीवर्ड्स पर ईयर, क्योंकि उसे 20 साल के आसपास हो चुके थे डलवाए और 64 उसके शरीर में मौजूद थी, तो 3। लेकिन आज के अमेरिकन कानून के हिसाब से एक वर्कर जो कि रेडिएशन वाले इलाके में काम करता है, उसके शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा 0.05 सीवर्ट्स की रेडिएशन ही मौजूद हो सकती है। अगर इससे ज़्यादा उसके शरीर में पाई गई तो वो कंपनी जिसके अंडर वो काम कर रहा है या फिर वो कोई संस्था जिसके अंडर वो काम कर रहा है, वो ही उसके शरीर के लिए जिम्मेदार होगी। एक स्टडी के मुताबिक कोई व्यक्ति अगर अपने शरीर के अंदर 3 से 4 सीवर्ट्स की डोज ले लेता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा। इसके चांसेस 60 और 40 के बराबर हैं। 60% छोड़ देगा, 40% बच जाएगा। लेकिन एक और स्टडी के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति के शरीर में हम 9 से 10 सीवर्ट्स की डोज उसके अंदर डाल दें तो ये बिल्कुल पक्का है कि वो इस दुनिया को छोड़ देगा और उसका पूरा शरीर रेडिएशन से मर जाएगा। इसलिए आज हम एल्बर्ट स्टीवंस को इस दुनिया का वो इंसान मानते हैं जिसने सबसे ज्यादा रेडिएशन झेली, और वो भी तब जब उसको पता ही नहीं था कि उसका पूरा शरीर रेडियो एक्टिव है। इस पूरी रिसर्च को बहुत लंबे समय के लिए दुनिया से छुपा कर रखा गया, लेकिन 90 के दशक में दुनिया को इसके बारे में पता लग गया। और अब बात कर लेता हूं उस डायमंड कोर की जिसे हाथ लगाते ही कोई भी व्यक्ति मर जाता है। तो ये 6.2 किलोग्राम की एक प्लूटोनियम की बॉल है जिसे तीसरा न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में इस्तेमाल किया जाना था। इस डायमंड कोर की कहानी बहुत ही अजीब है। हमको पता है कि अमेरिका ने जापान पर 2 न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए, तीसरे न्यूक्लियर बॉम्ब को बनाए जाने के आदेश दिए जा चुके थे और यही प्लूटोनियम की बॉल तीसरे न्यूक्लियर बॉम्ब में लगने वाली थी। इसके ऊपर टेस्ट किए जाने थे, लेकिन दिक्कत ये थी कि जो भी वैज्ञानिक इस प्लूटोनियम की बॉल के साथ टेस्टिंग वगैरह करता, इसके ऊपर रिसर्च करता, उससे कोई ना कोई गलती हो जाती और उसका शरीर रेडियो एक्टिव हो जाता और उसकी जान जाना फिर तय था। जी हाँ, इस बॉल ने बहुत से वैज्ञानिकों की जान ली, लेकिन अब आप इन दोनों चीज़ों का सच जान चुके हैं और सोच समझ चुके हैं कि आपस में कैसे कनेक्टेड है। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट अंजलि को एंड कमेंट पिक मी टू गेट शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।